इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में एक हम औद्योगिक सर्वेक्षण ये भी करा रहे हैं, हरियाणा औद्योगिक सर्वेक्षण 2019। इस सर्वेक्षण में भी आप लोग जब भी कोई ऐसा सर्वेक्षण करने वाला व्यक्ति आता, ज्यादा ज्यादा भाग लेना चाहिए। जो जानकारी उनको चाहिए वो हम दें और उस सर्वेक्षण में साथ में अपने सुझाव हम किस प्रकार से उद्योग को आगे बढ़ा सकते हैं, छोटे उद्योग को, घरेलू उद्योग को, एमएसएमई को, इसको ज्यादा बढ़ावा हम देना चाहते हैं ताकि इसमें रोजगार लोगों को ज्यादा मिलता है, सेटिस्फेक्शन भी बहुत होती है। उसकी सिक्योरिटी के लिए उसमें कुछ सब्सिडीज देना है, उनमें कुछ उपलब्ध कराना है, उनकी सहायता, वो हम सारी योजनाएं बनाते हैं। हमने एमएसएमई में पिछले दिनों में पावर रेट्स की बात आई तो सी और डी ब्लॉक जो ब्लॉक्स हैं उनके कैटेगराइजेशन की है ABCD, तो सी और डी के अंदर 4.75 रुपए का रेट हमने पावर का, जो 20 किलोवाट से नीचे बिजली की खपत करते हैं उनको सबको उसकी सहूलत दी है ताकि थोड़ा कंपीट करने में उस इलाके में जहां इंडस्ट्री है नहीं वहां थोड़ा सा आगे बढ़े, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, इंडस्ट्री को उसकी रिसर्च के लिए या उसमें जो भी कुछ नए ट्रेड के नाते समय के हिसाब से बदलाव आते हैं तो उसके अंदर जो क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम केंद्र सरकार की एक स्कीम है, एक हरियाणा की हमने चलाई है मिनी क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। केंद्र वाली स्कीम में तो बड़ा क्लस्टर होता है उसके अंदर शायद 10 करोड़ रुपए का 15 करोड़ रुपए की, उसमें 15 करोड़ रुपए की सब्सिडी है, लेकिन हमने जो छोटे छोटे इंडस्ट्री के ग्रुप्स हैं, क्लस्टर्स हैं, उसमें मिनी क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम चलाई है और उसके अंदर 2 करोड़ रुपए की सहायता ये हरियाणा सरकार ने तय की है, बहुत बड़ा उसमें लाभ मिला हुआ है। उसके अंदर भी 23 ऐसे मिनी क्लस्टर्स की पहचान हो गई है जिसके अंदर 17 क्लस्टर्स को हमने परमिशन दे दी है कि इनके ऊपर मिनी क्लस्टर जहां छोटे छोटे उद्योग हैं उनके अंदर ये काम करें।